नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम स्वागत करता हूँ हमारे और आपके यूट्यूब चैनल ऑनलाइन प्रोसेस में। दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना की तरफ से यहाँ पर ग्रामीण एवं शहरी के लिए आवेदन शुरू कर दिया गया है। इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी बताई जाएगी कि आपको प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कितना पैसा मिलता है ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों को यहाँ पर घर बनाने के लिए, साथ ही साथ इसमें कौन कौन लोग आवेदन कर सकते हैं, आवेदन करने के लिए क्या क्या पात्रता होनी चाहिए, कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे, इन सारी चीज़ों के बारे में दोस्तों आपको इस वीडियो में बताई जाएगी। साथ ही साथ अप्लाई करने का क्या प्रोसेस है, कैसे हम यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ ले सकते हैं, इसके बारे में भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दी गई है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। अगर आप दोस्तों यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे शहरी क्षेत्रों के लिए, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। यहाँ पर दोस्तों अगर नीचे आप आते हैं तो यहाँ पर आपको अप्लीकेशन प्रोसेस में यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं ऑनलाइन बताया गया है। यहाँ पर दोस्तों आपको एक लिंक दिया गया है, इस लिंक के माध्यम से दोस्तों आपको यहाँ पर सारी जानकारी बताई जाएगी। इससे पहले दोस्तों हम जान लेंगे कि इसमें कौन कौन लोग यहाँ पर भाग ले सकते हैं, लाभ ले सकते हैं, क्या क्या आपको बेनिफिट मिलने वाला है, कौन कौन एलिजिबल है, इन सब सारे चीज़ों के बारे में हम जान लेते हैं। साथ ही साथ आपके पास कौन से दस्तावेज होंगे तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए प्रोसेस हम समझ लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि अगर आप मैदानी क्षेत्रों मैदानी के इलाकों से आते हैं तो आपको यहाँ पर घर बनाने के लिए 1,20,000 रुपये की सहायता दी जाती है सरकार की तरफ से। अगर आप दोस्तों यहाँ पर हिमालय क्षेत्रों यानी हिमालय क्षेत्र जैसे जम्मू कश्मीर इत्यादि से आप आते हैं तो आपको यहाँ पर 1,30,000 रुपये यहाँ पर आपको दी जाती है घर बनाने के लिए। अगर दोस्तों आप इससे संबंधित ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो यहाँ पर आप इस वेबसाइट पर आ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है। अभी यहाँ पर दोस्तों हम फायदे की बात करें तो फायदे में दोस्तों यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए तो आपको यहाँ पर मनरेगा के तहत आपको काम मिलने वाला है। यहाँ पर 90.95 रुपये प्रतिदिन के तहत आप यहाँ पर काम कर सकते हैं। अभी यहाँ पर दोस्तों अगर नीचे आप हम आते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आपको बताया गया है कि मनरेगा में तो काम मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ आपको यहाँ पर शौचालय निर्माण करने के लिए आपको 12,000 रुपये भी यहाँ पर मिलने वाले हैं। और ये जो आपका पैसा मिलने वाला है ये सारा चीज़ आपको इलेक्ट्रॉनिक माध्यम यानी भुगतान जो भी होगा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम सीधे आपके बैंक खाते में यहाँ पर आने वाला है। या फिर दोस्तों आप अगर पोस्ट ऑफिस में आप खाता खुलवाए हैं, आधार कार्ड से लिंक है, तो आपके पोस्ट ऑफिस खाते में भी आ सकता है। अब इसमें दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन यहाँ पर पात्रता है, इसमें कौन कौन लोग भाग ले सकते हैं, उसके लिए हम चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर बताया जा रहा है बेघर परिवार यहाँ पर आप भाग ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों दूसरा नंबर में बताया जा रहा है जिन परिवारों के घर में शून्य या फिर एक या दो कमरे हैं जिनमें कच्ची दीवार और कच्ची छत है वो यहाँ पर भाग ले सकते हैं, इसमें यहाँ पर लाभ ले सकते हैं। तीसरा यहाँ पर बताया जा रहा है परिवार जिसमें 25 वर्ष से अधिक आयु वाला कोई साक्षर वयस्क न हो तो आप भाग ले सकते हैं। चौथा नंबर में बताया जा रहा है परिवार जिसमें 16 से 59 वर्ष वाला कोई वयस्क पुरुष सदस्य न हो तो यहाँ पर भाग ले सकते हैं। फिर पाँचवा नंबर पे यहाँ पर बताया जा रहा है परिवार जिसमें 16 से 59 वर्ष के बीच उम्र वाला कोई वयस्क सदस्य न हो तो यहाँ पर आप भाग ले सकते हैं। इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर नीचे भी बताया जा रहा है और यहाँ पर बताया जा रहा है बिना साक्ष्य सदस्यों वाले और दिव्यांग सदस्यों वाले परिवारों को भी यहाँ पर लाभ दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बताया जा रहा है भूमिहीन परिवार को यहाँ पर आपको लाभ दिया जाएगा। इसमें यहाँ पर बताया जाता है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अल्पसंख्यक वाले को भी यहाँ पर लाभ दिया जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों आपको मालूम चल गया होगा कि इसमें से कौन कौन लोग यहाँ पर इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अब चलिए हम दोस्तों बात कर लेते हैं इसका दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट कौन कौन सा लगने वाला है। यहाँ पर दोस्तों दस्तावेज में आपको सबसे पहले आधार नंबर लगने वाला है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आधार का उपयोग करने के लिए लाभार्थी की ओर से सहमति दस्तावेज यहाँ पर आपके साथ साथ लगने वाला है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मनरेगा में पंजीकृत लाभार्थी का जॉब कार्ड नंबर यहाँ पर लगने वाला है। यानी दोस्तों समझ लीजिए कि इसमें जिनका भी मनरेगा में रजिस्टर नहीं हुआ है वो लोग इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं, जिनका जॉब कार्ड अप्लाई नहीं हुआ है वो आवेदन नहीं कर सकते हैं।
यानी सबसे पहले आपको जॉब कार्ड बनवाना होगा, उसका आपके पास नंबर होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बताया जा रहा है स्वच्छ भारत मिशन के लाभार्थी संख्या आपके पास होना चाहिए। पांचवा है यहाँ पर बैंक खाता का विवरण, यानी बैंक खाता जो आपके बैंक में पैसा आने वाला है उसका यहाँ पर विवरण आपके पास होना चाहिए। यही यहाँ पर दस्तावेज यहाँ पर कुछ बताया गया है जो आपके पास होना चाहिए यहाँ पर आवेदन करने के लिए। अब चलिए दोस्तों हम जान लेते हैं कि इसका ऑनलाइन करने का प्रोसेस क्या है। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं ऑनलाइन प्रोसेस में यहाँ पर ऑनलाइन दिया गया है। यहाँ पर दोस्तों आपको एक लिंक दिया गया है, इस लिंक पर अगर हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक यहाँ पर PDF ओपन होता है। यहाँ पर ये दोस्तों अभी PDF लोड हो रहा है। यहाँ पर आपको इस PDF में पूरा यहाँ पर मैनुअल बताया गया कि कैसे कैसे आपको यहाँ पर आवास योजना के लिए रजिस्ट्रेशन करना है। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन एड बेनिफिशियरी के बारे में यहाँ पर पूरी जानकारी बताई गई है। सबसे पहले आपको यहाँ पर बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएगा जिसमें पर्सनल डिटेल, बैंक अकाउंट, कवरेज, यहाँ पर आपको डिटेल ऑफ ऑफिस यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कुछ इस तरह से फिलअप होने के बाद यहाँ पर सेक्शन 1 का यहाँ पर पर्सनल डिटेल यहाँ पर फिल करना है। यहाँ पर दोस्तों आपको देखने के लिए मिल रहा है कि यहाँ पर कैसे कैसे यहाँ पर फॉर्म को फिल करना है। नीचे आएगा तो दोस्तों यहाँ पर आपको पूरा डिटेल आएगा, यहाँ पर क्या क्या यहाँ पर फिलअप करना है, सारा जानकारी को यहाँ पर ध्यानपूर्वक पढ़ना है और फॉर्म फिलअप इसी प्रकार से आपको करना है। जैसे यहाँ पर सेक्शन 2 में आपको यहाँ पर बैंक का टाइप, बैंक नेम, ब्रांच नेम, ये सब यहाँ पर फिल करने के लिए यहाँ पर आएगा। सेक्शन 3 में आपको दोस्तों यहाँ पर जॉब कार्ड का डिटेल यहाँ पर फिलअप करना है, SBN नंबर यहाँ पर फिल करना है। चौथा सेक्शन में दोस्तों यहाँ पर आपको बताया गया है कि यहाँ पर आपको कौन कौन से में यस करना है, कौन में यहाँ पर नो करना है। यह सारी जानकारी यहाँ पर फिलअप करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक बार एडिट बेनिफिशियरी करने के लिए दिया जाता है। अगर आपका कुछ भी गलत रहता है तो अगर सारा चीज़ सही है तो आपको यहाँ पर नीचे सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपका सारा डिटेल सबमिट हो जाएगा और आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। यही यहाँ पर प्रोसेस है ऑनलाइन आवेदन करने का। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ऑनलाइन आवेदन करने के लिए इसका आवेदन करने के लिए सबसे पहले प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की वेबसाइट पर आना है। यहाँ पर आवास ऑफ पाना है, यहाँ पर डाटा एंट्री पर आपको क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको MIS डाटा एंट्री पर यहाँ पर लॉगिन पर आपको क्लिक करना है, न्यू सर्वर पर आपको क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर दोस्तों आपसे यहाँ पर कुछ बेसिक डिटेल पूछा जाएगा, जैसे फाइनेंशियल ईयर पूछा जा रहा है तो फाइनेंशियल ईयर आपको यहाँ पर 22-23 के लिए यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर ID और पासवर्ड को यहाँ पर फिलअप करना है, कैप्चा डाल करके लॉगिन कर लेना है। अब यहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी आपके सामने कि यहाँ पर आपके पास ID और पासवर्ड नहीं रहेगा। यह ID और पासवर्ड बहुत कम लोगों के पास रहता है, यह ज़्यादातर यहाँ पर आपके ब्लॉक के कर्मचारियों के पास यहाँ पर इसका ID और पासवर्ड रहता है। तो आपको यहाँ पर इसका आवेदन करने के लिए मुख्यतः यहाँ पर ब्लॉक के कर्मचारियों के पास जाना होगा, ब्लॉक में जाना होगा, वहाँ से आवेदन कर सकते हैं। या फिर दोस्तों बहुत सारे साइबर कैफे वाले यहाँ पर इसका ID और पासवर्ड कर्मचारी से लेकर के रखते हैं, वहाँ से वो लोग आवेदन करते हैं। तो आप अपने नज़दीकी साइबर कैफे वाले से एक बार कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, अगर आवेदन कर सकते हैं तो वो कर देंगे, नहीं तो आपको यहाँ पर ब्लॉक में जा करके आवेदन कराना होगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं अपना प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन यानी शहरी क्षेत्रों के लिए। सेम टू सेम उसका भी वही प्रोसेस है, वही एलिजिबिलिटी है, वही यहाँ पर प्रोसेस है। यहाँ पर दोस्तों इसमें एप्लीकेशन प्रोसेस में यहाँ पर क्लिक करें तो इसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम दिया गया है। ऑनलाइन के लिए दोस्तों यहाँ पर आपको वेबसाइट दिया गया है कि आपको सबसे पहले इस वेबसाइट पर आ जाना है। इस वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ पर सिटीजन असाइनमेंट पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आवेदन करना है। तो अगर दोस्तों आप शहरी क्षेत्र से आते हैं तो आप हमें कमेंट करके बताइए, मैं इसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस यहाँ पर समझाऊंगा। तो ये तो छोटी सी अपडेट दोस्तों आपको इस वीडियो में, वीडियो कैसा लगा हमें कॉमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ।